गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हम लोगों ने रेसिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल और रेजोनेंस सर्किट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल यंत्र है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, जिसके कारण इसे स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो क्वाइल होते हैं जिसे प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। यह एसी सप्लाई पर कार्य करता है, लेकिन पावर तथा फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करता है। यह वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि ट्रांसफार्मर चैप्टर में हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का बंटवारा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने प्रकार से बांटा जाता है, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, फेज के अनुसार ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, कूलिंग के अनुसार ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, उपयोग के अनुसार ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, साइज और लोकेशन के अनुसार ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में टर्न रेशियो, इफेक्ट ऑफ इफिशेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, स्किन इफेक्ट, शील्डिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए यह चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के बंटवारे के बारे में विस्तृत से एक एक कर पढ़ेंगे। थैंक यू।